तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए कि चैलेंजेस वीडियो लेकर और एडवेंचर टाइप में वीडियो है गाइस। सच में यार एडवेंचर टाइप में वीडियो होने वाली। तो हम जा रहे हैं अभी हमारे खेतों की तरफ में, जो कि जहाँ पर जंगली एरिया बिल्कुल यार, वहां पर हम जा रहे हैं और वहां पर दिखाने वाले हैं यार नाइट का व्यू और खतरनाक सीन है वहां की। एक छोटी सी कहानी है, वो भी मैं खेतों में चलकर आपको सुनाने वाला हूँ। बाकी अभी मैं बैठा हूँ हमारी लग्जरी झोपड़ी में, जो कि लग्जरी झोपड़ी की हालत आप अभी देख सकते हो कि ये लग्जरी झोपड़ी की हालत अभी कैसी हो रखी है। बाकी यार अगर आप कमेंट करोगे तो इस लग्जरी झोपड़ी की हालत और भी बढ़िया करेंगे। जी हाँ गाइस, और भी बढ़िया करने वाले हैं। और अगर आपने जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है लग्जरी झोपड़ी की बनाती हुई, तो यार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो जाकर प्लीज देखे। और हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी हम चलते हैं हमारे खेतों की तरफ में और वहाँ की छोटी सी कहानी है वो आपको सुनाता हूँ, वहाँ पर ही सुनाऊंगा। तो लेट्स गो। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम हमारे वो आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरे हाथ में है ये थोड़ा सा सूखा घास, जो कि आग जलाने के लिए काम में आने वाला है हमारे। बाकी एक हमारे पास में एक बल्लभ है, जो कि आप इसको भी कैसे चलाएंगे वो भी आपको लाइव वीडियो को दिखाने वाले हैं। जल्दी आया भाई यहाँ, अभी तो धूप बहुत चलना है हमारे लिए। बाकी गाय से यार थोड़ा सा डर सा लग रहा है, क्योंकि आप एक गाय तो हमला भी कर देती है, एक जो आदमी देखते छोटे आदमी देखते हैं, तो हमारे को डर लग रहा है। क्योंकि आज वो मेरे पापा और जो मेरे दादा दादी थे, वो सभी बोलते थे कि यार नील गाय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ये हमारे खेत है, इन खेतों को बाहर करके और आगे जमीन टाइप की एरिया है, वहाँ पर हमारे खेत है एक और, वहाँ पर हम जाने वाले हैं अभी। गाइस बहुत ही ज्यादा उंधारा हो रहा है। यार ये पेड़ लगा रखा है हमने, ये आम का पेड़ है गाइस, और इसके ये तारबंदी लगा रखी है क्योंकि यार जानवर वगैरह कुछ। तो ये एक कुदरती टंकी, जो कि यहाँ पर पहले पूरी की पूरी गड्ढी हुई थी और हमने जो है इसको खोद कर बाहर निकाला है, नहीं और ये बड़ा हो जाए तब हम आम तोड़ के खा सके। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे एरिया से, जो हमारे खेत है उनसे बाहर, और अब जंगली एरिया आने वाला है। तो गाइस ये एक रोड है जो कि जंगल की तरफ में, काफी घना जंगल है वहां पर जाता है। और वहां पर तो क्या है कि यार अभी कुछ हम बोते नहीं है खेतों के अंदर, ये इस तरफ में एक खेत है, ये हमारा ये दिया गाइस, ये हमारा ही खेत है। और यहाँ पर हमने बाहर रखा है धान, जो कि आप यहाँ पर जुगाड़ देख सकते हो कि यार हमने कांटे वगैरह लगा के थोड़ा सा बंद कर रखा है, क्योंकि यार नील गाय है जो इनको भी कूद जाती है। जी हाँ गाइस, सट भी थोड़ा सा पीछे जाके उस पीठ पूरा छलांग लगा देती है, या फिर इसके अंदर से होकर चली जाती है, तोड़ देती है सब कुछ। तो यार अब हम रास्ता कैसे ढूंढे यहाँ पर, यहाँ पर अभी तो कुछ रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर प्यार कर देते हैं कि कोई नील गाय अभी है तो नहीं, इस तरह आ जाए। डॉग है वो भी भौंक रहा है, और कोई गाय दिखाई तो नहीं दे रही अभी तक।
भाई क्या करें यार, सर्दी काफी ज्यादा लग रही है गाइस, और ये जंगल में जाने का रास्ता है जो कि बहुत से गांव वाले निकलते हैं हमारे, तो यहाँ पर आग जलाना कुछ ठीक नहीं रहेगा, तो खेत में जाने की हम कोशिश करते हैं कि यार खेत में चले जाए थोड़ी देर के लिए, बंद कर ले भाई यार। तो गाइस हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अंदर तो आ चुके हैं, और अब देखते हैं कि इंतजार है मेल का ही आती है या फिर नहीं आती है। हमारे को तो ध्यान रखने के लिए यहाँ पर वेट भी है, तो पता नहीं क्या होने वाला है, हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ थोड़े से कांटे वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि यार अभी जो है अभी टाइम चल रहा है यार, अब भाई है ना लाइट बंद कर ले, अगर लाइट डिस्चार्ज हो गई ना तो अगर नील गई आएगी तब दिक्कत आएगी हमारे। ले भाई लाइट दे दे मेरे को, मैं बंद कर देता। तो गाइस खेत में बैठे हुए हमारे को हो गया 1 से 1.5 घंटा, और यार अभी जो है तो हमने आग जला रखी है क्योंकि यार सर्दी है जो काफी ज्यादा लग रही है, और बल्ब भी जो रखा है क्योंकि यार कोई अगर जानवर वगैरह आए तो हमारे को पता चल जाए। बाकी यार आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी और एडवेंचर टाइम में वीडियो लेकर आ सके। ऐसी खतरनाक लोकेशन पर जाएंगे गाइस, आपके आपने उम्मीद नहीं की होगी सच में यार गाइस, हमारे को थोड़ा सा मौका देकर देखिए आप, फिर देखना कि हम कैसी कैसी वीडियो लेकर आते हैं यार। बाकी यार यहाँ की एक छोटी सी कहानी है वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी हाँ गाइस यहाँ की एक छोटी सी कहानी है, तो यहाँ पर है जो हॉन्टेड लोकेशन भी कहलाई जाती है, और यहाँ पर बहुत से जो वीडियो बनाने वाले सभी यूट्यूबर यहाँ पर जो हॉन्टेड भी वीडियो बनाने वाले हैं, हर कार है, और एक बार मिस्टर इंडिया लेकर भी आके गए थे, लेकिन यार पता नहीं उन्होंने वीडियो डाली नहीं यार यहाँ की, ये हॉन्टेड गुरुजी है। जी हाँ गाइस हॉन्टेड गुरुजी आर सभी यहाँ पर आके गए हैं इस लोकेशन पर, अगर आप कमेंट करोगे तो हम जिनकी वीडियो लेकर आएंगे और ये पूरी लोकेशन आपको दिखाएंगे यार, कि यहाँ की जो कहानी है वो भी आपको पूरी डिटेल के अंदर सुनाऊंगा, तो यार काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ये बिल्कुल पूरी लोकेशन जो है हॉन्टेड है। जी हाँ गाइस यही चीज़ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर हो गया है, और अभी तक तो कुछ हमारे को ऐसा कुछ लगा नहीं, और नील गाय का है जो कि नील गाय अभी तक दिखाई नहीं थी, बाकी अगर हमारे को थोड़ी बहुत भी हलचल लगी ना भाई तो मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यार मेरे पास कुछ भी सेफ्टी नहीं है। जी हाँ गाइस कुछ भी सेफ्टी नहीं है, तो मैं अभी तो क्या है लाइट वगैरह लेकर आया हूँ, और अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं गाइस खुद तैयारी के साथ आऊँगा और आपको सब कुछ एक एक क्लियर चीज़ आपको दिखाऊंगा, और दिन के अंदर भी दिखाऊंगा कि ये लोकेशन कौन सी है। मिस्टर इंडिया हैकर ने भी वीडियो बनाई थी लेकिन यार पता नहीं उन्होंने डाली नहीं किसी के मेन चैनल पर, उन्होंने बोला था कि यार मैं डालूंगा लेकिन यार उन्होंने चैनल पर वीडियो डाली नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिख जय हिंद जय भारत, और कमेंट करना ना भूले यार, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी यार जरूर बताएं। बाकी तब तक लिख जय हिंद जय भारत और जय श्री राम।